आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं Asus Zenfone 6 को लेके आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगा कि स्मार्टफोन में आपको कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, कौन सी स्पेक्स देखने को मिलेंगी, ये स्मार्टफोन आपको किस प्राइस के साथ देखने को मिलेगा और कब देखने को मिलेगा। व्हाट्सअप गाइज, मैं वसीब और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्नूप। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ डेली बेसिस पर अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1080x2340 की इमेज रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। इसमें आपको 19.59 की एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगी, साथ ही आपको यहां 513 की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन में आपको कोई नॉच, कोई पंच होल देखने को नहीं मिलेगा, आपको कंप्लीटली एक बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी, मतलब कि आपको फुल्ली बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसमें आपको बिल्कुल भी बेजल देखने को नहीं मिलेंगी। इस स्मार्टफोन में आपको 600 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि सपोर्ट करेगी DCI-P30 को, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको HDR+ की सपोर्ट देखने को मिलेगी इन्हेंस्ड एंड नाइट मोड के साथ। इसमें आपको मल्टी फ्रेम सिंथेसिस देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेंगे। एक लेंस आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, जो कि इंडस्ट्रियल हाईएस्ट मेगापिक्सल लेंस है। इसमें आपको जो लेंस है, सेंसर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सोनी IMX586, जिसमें आपको 0.9 माइक्रोमीटर पिक्सल देखने को मिलेंगे F1.8 अपर्चर के साथ। एक आपको लेंस यहां देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, जो कि 125 डिग्री पे अल्ट्रा वाइड लेंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो 48 मेगापिक्सल का है, इसमें आपको जो पिक्सल साइज़ देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1.6 माइक्रोमीटर, जो कि एक लार्जर पिक्सल साइज़ है। इसमें आपको जो अपर्चर देखने को मिलेगा वो मिलेगा F1.79 का अपर्चर। इसमें आपको क्वैड बेयर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इसमें आपको IMX586 सोनी फ्लैगशिप सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इन दोनों कैमरास के सेंटर में आपको लेज़र ऑटो फोकस डुअल LED फ्लैश देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। आपको जो रैम देखने को मिलेगी वो मिलेगी 8 GB की रैम, यहाँ आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी UFS 2.1 के साथ। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरेज देखने को मिलेगी, यहाँ आपको 10 GB की रैम भी देखने को मिल सकती है 256 GB की स्टोरेज के साथ। स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्वालकॉम का हाई एंड प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको डुअल एम्पलीफायर देखने को मिलेंगे हाई रेस ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको जेनर हेडफोन जैक देखने को मिलेगा 3.5 mm के साथ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। स्मार्टफोन में आपको लार्जर बैटरी साइज देखने को मिलेगा, इसमें आपको ह्यूज बैटरी देखने को मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटरी होगी, जिसे आप चार्ज कर सकते हैं 18 W के चार्जर के साथ, जिसमें आपको जो है वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। Asus के बॉक्सेस में आपको 18 W का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ ये भी रूमर्स हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ आपको 27 W का चार्जर देखने को मिलेगा बॉक्सेस में। अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाता है तो ये किस चार्जर के साथ हमें देखने को मिलेगा। आपको जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा वो मिलेगा एंड्रॉयड 9 Pie वर्जन के साथ, लेकिन यहाँ जो है वो Asus क्लेम करता है कि ये स्मार्टफोन को आप अपग्रेड कर सकते हैं एंड्रॉयड 10Q वर्जन पे, जो कि एक एंड्रॉयड का नेक्स्ट वर्जन है।
दोनों साइज़ पे कॉर्निंग गुरिल्ला ग्लास 6 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन में आपको जो है स्मार्टफोन के मिडल में आपको फ्रेम मिलेगा 6000 सीरीज एल्युमिनियम फ्रेम, जिसमें आपको कॉर्निंग गुरिल्ला ग्लास 6 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन के कैमरा को आप जो है वो फ्लिप कर सकते हैं, रियर कैमरा को ही एज अ सेल्फी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप जो है वो 1 लाख फ्लिप्स जो है वो क्लिक कर सकते हैं और एक दिन में आप 28 सेल्फीज जो है वो 5 साल तक ले सकते। 500 यूरोज तक लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, लॉन्च डेट जो है वो कंफर्म नहीं की गई। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस है। सो प्लीज़ गाइज गिव थम्स अप टू द वीडियो। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।